तो अगली क्लास, अगली टॉपिक हमारी है, वो टॉपिक है हमारा क्लियर का, फिल का। जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और इस नंबर्स को मुझे सम करना है। ध्यान से देखिएगा, मुझे इस नंबर्स को सम करना है। तो आप यहां पे इक्वल सम का फॉर्मूला दे सकते हैं, राइट? या फिर मैं यहां पे ऑल्ट इक्वल प्रेस कर सकता हूं। ऑल्ट इक्वल क्या है? ये हमारा है ऑटोसम। ऑटोसम जो है हमारा वो ऑल्ट इक्वल है। यहां से क्लिक करते हैं, हमारा सम लग जाएगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मान मुझे एवरेज करना है तो एवरेज लग जाएगा, या मुझे यहाँ पे काउंट नंबर करना है तो काउंट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अपने आप आपका रेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, आपको रेंज लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शॉर्टकट है वो सिर्फ अल्ट इक्वल की ही शॉर्टकट है, ठीक है? क्या बोला सर आपने अभी लास्ट लाइन क्या बोली थी? अल्ट इक्वल एग्जांपल है हमारा, वो अल्ट इक्वल का ही है। अच्छा, शॉर्टकट जो है अल्ट इक्वल के लिए है, ठीक है? ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, यहाँ पे ये सॉरी सीरियल नंबर है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को लिखा, तो अभी देखा आपने, मैं मिला कॉपी पेस्ट किए, फिल कर दिया। कैसे किया हमने फिल? तो यहाँ पे फॉर्मूला की मैं सिलेक्शन किया, हमने किया कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर करते हुए क्या हुआ कि जो डेटा था ये डेटा पूरा फिल हो गया राइट की तरफ, और कंट्रोल डाउन मतलब कि जो पहली रो है वो पूरी डेटा फिल कर देगा डाउन की तरफ, कंट्रोल डी डाउन। तो ये आपका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल डी फॉर डाउन, कंट्रोल आर फॉर राइट, ठीक है? अप और लेफ्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको छोड़ो। इसमें एक बात आती है डेटा फिल करने की, जैसे हमने वन और टू लिखा और जो सेलेक्ट करके नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं तो ड्रैग हो जाता है। तो इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास सीरीज होता है, तो सीरीज में हम जैसे लीनियर है सिलेक्टेड है, अगर मैंने मान लीजिए कि मुझे 15 तक चाहिए था 15 तक हो जाएगा, एक का गैप है तो ये 15 तक के सीक्वेंस नंबर आ जाएंगे। आपको एक एक छोड़ के करना है, गैप देना है, तो सीरीज में यहाँ पे आप जैसे मैंने दो लिख दिया तो दो दो का गैप आएगा, और यहाँ पे स्टॉप बेल में कुछ नहीं लिखा तो सिलेक्टेड एरिया में आ जाएगा। या फिर मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है तो सीरीज में जाता हूँ तो ग्रोथ पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, तो जितने सिलेक्टेड नंबर्स है हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पर 4 पर 8 इससे मल्टीप्लाई करते हुए आपको आ जाएगा, ठीक है? देखिए इसका यूज होता है हम लोग का डेट में, जैसे मैं यहाँ पे डेट लिखा तो जनरली जब डेट को ड्रैग करते हो तो पूरा डेट आता है, लेकिन मुझे इसमें सैटरडे और संडे नहीं चाहिए, तो यहाँ फिल के अंदर में हमारे पास सीरीज होता है। सीरीज में मैं यहाँ पे वीकडे सेलेक्ट कर दूंगा तो इसमें सैटरडे और संडे नहीं आएगा, ये देखिए चार और पांच नहीं आया, इसका यूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको ईएमआई डेट निकालनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नौ अगस्त है, ऐसे 10, 11, 12, 13 से आपको हर महीने का महीना चेंज करना है, तो फिल में सीरीज में जाके आप यहाँ पे मंथ कर सकते हैं, तो मंथ में आपका आएगा। तो ये आपका सीरीज का पार्ट था। सीरीज से ऊपर हमारे पास एक क्रॉस वर्कशीट था। अब एक क्रॉस वर्कशीट को देखिए क्या होता है, क्रॉस वर्कशीट तो उसके लिए मुझे एक नया फाइल लेना होगा और मेरे पास मान लीजिए 4-5 शीट है, मुझे हर एक शीट जितने भी शीट्स है सारे शीट्स के ऊपर यहाँ पे डेट लिखना है A1 में। तो आप जनरली क्या करेंगे कि A1 पे लिखेंगे
डेट, और फिर इसको कॉपी करके बाकी जगहों पे पेस्ट करेंगे। तो हर शीट में जो अलग अलग पेस्ट करेंगे उससे अच्छा है कि आप शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट को सिलेक्ट करें और फिर पेस्ट करें। तभी जो सिलेक्टेड क्या है कि सारे आपका शीट 4, 5, 6, 2, 3 सब आपका सिलेक्ट हो चुका है, तो जो भी आप एक्शन देंगे वो आपके हर एक सीट पे जाएगा। तो इसको मैंने वैल्यू पेस्ट किया, मैंने पेस्ट किया तो आपका सीट 5 पे भी, सीट 4 पे, सीट 3 पे, इस पे भी हो गया। यही काम आपका अक्रॉस वर्कशीट करता है। ठीक है, अक्रॉस वर्कशीट में क्या होता है कि ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं टाइम लिखता हूँ यहाँ पे, टाइम दे देता हूँ मैं, और मैं इसको फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। और मैं पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ क्लिक किया सबसे लास्ट सीट पे, सारा सीट सिलेक्ट हो गया। यहाँ फील्ड में अब देखिए आपका जस्टिफाई आपका एक्टिवेटेड हो गया, इससे पहले जस्टिफाई आपका एक्टिवेटेड नहीं था, अब आपका जस्टिफाई एक्टिवेटेड हो गया। क्यों हो गया एक्टिवेटेड? क्योंकि आपने मल्टीपल सीट को सिलेक्ट किया। इसे क्रॉस वर्कशीट करेंगे तो आपके पास पूछेगा कि ऑल या कंटेन या फॉर्मेट। आप फॉर्मेट करते हो तो आपका डेटा नहीं जाएगा, जिस फॉर्मेटिंग आएगी आप देखिए। तो अब शिफ्ट के साथ आप पूरा सीट सिलेक्ट कर लेते हो तो पूरा हो जाता है। मान लीजिए मुझे कोई भी सीट करना है, मान लीजिए मुझे सीट 5 करना है, सीट 2 करना है, इस तरह से 3-4 सीट ही करनी है, तो आप कंट्रोल के साथ उन सीटों पर क्लिक कर सकते हो। तो जिस हिसाब पे क्लिक करोगे वही सीट आपको यहाँ पे देगा। ठीक है सुजीत सर, हाँ जी, एक इसी में एक ऐड के इशू करना है मेरे को। सपोज करो मैंने शीट तो सिलेक्ट कर ली, मैं चाहता हूँ जो शीट का जो ना नाम भी रीनेम हो जाए डेट वाइज। नहीं सर, नाम आप वन बाय वन करेंगे ना, तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई वो नहीं कि मतलब एक सीक्वेंस डाल दे उसमें ऑटोमेटिक वन बाय वन ऐसा हो जाए? नहीं, तो ऐसे जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको ऐसा करना है, जैसे मैं ऐसा करता था, जैसे मान लिया मुझे डे वन डे टू डे थ्री करना, तो मैं यहाँ पे पहले शीट बनाता था डे के नाम से, राइट सर? जी जी। अब मैं इसको कॉपी करता था, ठीक है सर? जी जी, पहले शीट को फिर क्या करता था मैं यहाँ पे कॉपी करते चला जाता था, इसको कॉपी कर देता था। जैसे मैंने ठीक है शीट चाहिए तो शीट से इसको सिलेक्ट कर दिया और कॉपी के साथ इसको ड्रैग कर दिया। कैसे दोबारा करना है एक बार? इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर दिया, आपका सीट जो इंसर्ट होगा वो इंसर्ट होगा नाम से। लेकिन अगर डेट जो है उसको चेंज करना चाहते हैं तो नहीं, उसको आपको एक डबल क्लिक करके ही करना पड़ेगा, या भी इसके लिए तो करना पड़ेगा, मैनुअली ही करना पड़ेगा रीनेम। मैनुअली अभी भी सीट नेम के ऊपर में कुछ फार्मूला डाल सकते हैं सर? सीट नेम पता करने के लिए कौन सा सीट नेम है, सीट नेम को चेंज। ओके सीट, हां मेरा सीट, हेलो, हां बोलिए सर। सीट 1 है, उसके ऊपर में वो सीट रिलेटेड मतलब फाइनल रिपोर्ट को एक लाइन में मेरे को वो फार्मूला उसमें डालना है रिजल्ट। हां वो हम आगे उसके लिए हमारा सेल फार्मूला होता है, सेलिंग का फार्मूला कर सकते हैं सर? हाँ हो सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लियर की, तो फिर एक फील्ड ऐसा ऑप्शन है जस्टिफाई का, ओके, चलिए जस्टिफाई के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जस्टिफाई हालांकि अब यूज नहीं होता है, लेकिन 2019 से यूज नहीं होता है, इसलिए उससे पहले यूज होता था सर, उससे पहले यूज होता था। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डाला, डेट नहीं नेम डालता हूँ, मुझे इन सबों को कॉपी करना है, बहुत सारे नेम है, मुझे एक एक ही सेल के अंदर इसको कंबाइन करना है इस तरह से, पूजा कॉमा नीरज कॉमा कविता इस तरह से। इसके लिए तब कॉन्करेंट लगाएंगे तभी होगा ना सर? तो इसके कॉन्करेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए और फिर इसको जस्टिफाई कर दीजिए। जस्टिफाई कर दीजिए, हाँ जस्टिफाई प्लस पे क्लिक, ठीक है।
जस्टिफाई का मतलब है जितना बड़ा कॉलम में जितना डेटा कॉलम में आ सकता है उतना वो डाल देगा। सर जी तो ये हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। और वापस मैंने इसको एक कर दिया कम कर दिया तो वापस इसको सीट में डाल भी देगा सर, ये जस्टिफाई का काम होता है। उसके बाद बात आती है फ्लैश फिल की। तो फ्लैश फिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए फ्लैश फिल के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं नेम ही है यहाँ पे कुछ नेम लिख रहा हूं, तो इसमें पूजा सिंह मोहन प्रसाद शर्मा इंद्र सिंह उदय कुमार ऐसे मेरे पास नाम है। और मुझे क्या करना है इसमें से फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं जस्ट लिखूंगा पूजा, एंटर मारूंगा, इस पे कर्सर रखूंगा और फिल पे जाऊंगा और यहां पे करूंगा मैं फ्लैश फिल, ठीक है। और यहां पे मैं सिंक करूंगा, इसमें मैं करूंगा फ्लैश फिल। सर ऐसे आपके पास डेट है, मुझे डेट में से मंथ को अलग करना है, डेट में से मंथ को अलग करना है, तो मैं यहां पे मंथ को लिखूंगा और फिर यहां पे फ्लैश फिल करूंगा। उसी के बाद उसी के साथ मैं यहां पे मान लीजिए कि कुछ नंबर्स है हमारे, मुझे इसमें डेसिमल प्लस अलग करना है, तो मैं पहले पे लिखूंगा 0.25 और फिर इसको यहां से फ्लैश फिल कर दूंगा। तो एक पर्टिकुलर कॉलम में से एक किसी चीज को इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, समझे। ठीक है सर, तो फ्लैश फिल समझ में आ गया। ओके सर, फ्लैश फिल के बाद आता है क्लियर। जैसे कि आपके पास अगर डेटा है यहाँ पे सर, हाँ जी, जैसे ये सर कोई सिलेक्टेड एरिया पे आप लगा सकते हैं, जैसे मान लो उदय से लेकर मोहन के बीच। नहीं नहीं पूरा कॉलम होता है सर, रेंज ऑटोमेटिक लेता है। अच्छा अभी जूम में ऐप थोड़ी देर में बंद होगा तो फिर दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। ये 40 थोड़ी देर बंद होगा तो फिर खोल लीजिएगा। तो हमारा फॉर्मेटेड एरिया है, मुझे इसको क्लियर करना है, तो अगर मैं इसको क्लियर मतलब डिलीट करेगा जगह पे मैं क्लियर ऑल करूंगा तो पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने मान लीजिए क्लियर फॉर्मेट किया तो फॉर्मेटिंग गायब होगा, मुझे क्लियर यहाँ पे कमेंट कंटेन करना है तो कंटेन गायब होगा, कमेंट करना है तो कमेंट होगा, हाइपरलिंक करना है हाइपरलिंक होगा। तो यहाँ से क्लियर का ऑप्शन जो है क्लियर होता है, राइट सर।